दिन भर दिल्ली। ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से अब राजनीति गर्मा गई है, जिसके बाद से विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है और फिर शुरू हो गया है सियासी कोहराम। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। सर पेशेंट आईसीयू में, आईसीयू में कैसे एडमिट करवाएंगे उसको, उसके पास 3 घंटे से ऊपर की ऑक्सीजन नहीं है। ठीक कहते हैं, ये भी कहते हैं ठीक है, लेकिन इनको मरने के लिए आंखों के सामने 80,000 का मरने दे के मर जाओ मेरे सामने तुम। ऑक्सीजन कमी पर सियासी कोहराम, सरकार के दावे पर राजनीतिक घमासान, न ऑक्सीजन की कमी न कमी से मौतें, तो कोरोना काल में मौतों पर बड़ा सवाल। ये जो मौतों का मातम मचा है, आंसुओं का सैलाब आया है, तड़पते लोग, बिलखते परिजन और मौत के बाद बदहवास जीवन की तस्वीरें हैं, ये भी चंद महीनों पहले की ही हैं। ये तस्वीरें अभी आंखों से ओझल नहीं हुई, दिमाग से तस्वीरें मिटी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से खोए अपनों का सदमा भी अभी भूला नहीं है और इस पर अब फिर से सियासी कोहराम शुरू हो गया है, राजनीतिक घमासान हो रहा है, विपक्ष सवाल कर रहा है और पक्ष सवालों से भागकर सफाई दे रहा है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश कर, झूठे आंकड़े सरकार रिलीज कर रही है तो सत्य से दूर है। वो जो कानपुर से लेके और प्रयागराज से लेके गाजीपुर बलिया तक नदी के घाटों पे जो लाशें बिछी थी वो क्या थी? ये तो लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया गया है और मोदी सरकार को हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। 800-800 रुपए का सिलेंडर 80,000-80,000 रुपए में बिका है और कैसे ये सरकार कह सकती है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे? गंगा की उतराती लाशें नहीं इनको दिख रही? इसके लिए हम किसी पर दोषारोपण न करें तो ठीक नहीं है, लेकिन इससे बचने का उपाय किया जा सकता है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लाइनों की तस्वीरें तो याद होंगी, ऑक्सीजन के लिए लोगों की होड़ की तस्वीरें याद होंगी। हर तरफ शोर मचा था, कोहराम मचा था, अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतार लगी हुई थी और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगे मरीज पड़े थे, हर तरफ मारा मारी थी, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार था और फिर हमने अपनों को ही ऑक्सीजन से तड़प तड़प कर पल पल मरते देखा था। हम लोग फोन तुरंत करते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि 20 मिनट बस बचा है ऑक्सीजन खत्म होने में, अपने फादर को आप ले जाइए और यहाँ से व्यवस्था करिए अपने फादर को ले जाने की, ऐसे कैसे कर रहे हैं हम लोग? मेरे पापा को कह रहे हैं कि आईसीयू से निकाल रहे, गैस खत्म हो गया। कहाँ से लाए हम गैस? हम लाएंगे गैस? हम कहाँ से लाएंगे गैस? बाईपास सपोर्ट पे वो नॉर्मल ऑक्सीजन का नहीं सपोर्ट झेल पाएंगे, तो आप लेके जाए। मैं कह रही है कि 20 मिनट 10 मिनट के अंदर अपने हस्बैंड को लेके जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मैं कहाँ लेके जाऊँ अपने हस्बैंड को? शाम 5 बजे से लाइन में लगे हुए, ऑक्सीजन गैस नहीं है, हमारे मरीज तड़प रहे हैं। कल 3 बजे आए थे हम, इन्होंने यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करा हमारे यहाँ पे, उसके बाद कुछ पता ही नहीं है, कह रहे कल मिलेगी आज मिलेगी, पता ही नहीं कुछ इनका। लेकिन सरकार ने एक मिनट में ही हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के सभी पाप धो लिए और राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने का दावा कर दिया। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है, भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। एक तरफ कांग्रेस ने ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, तो दूसरे दलों ने भी सरकार को जमकर घेरा है। झूठे आंकड़े सरकार रिलीज कर रही है तो सत्य से दूर है वो कर रही है, इसके लिए अब नंबर ऑफ सिटीज अर्बन टाउन्स ये 7,935 है, तो इसमें एक 10 भी अगर आप एवरेज ले लिए तो 7,93,500। वो जो कानपुर से लेके और प्रयागराज से लेके गाजीपुर बलिया तक नदी के घाटों पे जो लाशें बिछी थी वो क्या थी?
क्या थे जो क्या क्या थी उन लाशों को जो कुत्ते नोच रहे थे, चील कौवे नोच रहे थे? इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा देश ने बर्दाश्त की और वो दिखती नहीं सरकार को? ये तो लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया गया है और मोदी सरकार को हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए हम किसी पर दोषारोपण न करें तो ठीक नहीं है, लेकिन इससे बचने का उपाय किया जा सकता है, लोगों को जीवन को बचाया जा सकता है अगर सही माने में प्राथमिकताओं को का चयन सही तरीके से हो और लोगों के जीवन को बचाने को अगर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और आप इसके लिए बजट बढ़वा लेंगे। ये वैक्सीन नहीं, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोविड में मर जाता है तब गंगा में डेड बॉडी भेज देता है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है कि एक तो मेडिसिन नहीं देता है, वैक्सीन नहीं देते हैं, उसको बाद मरने का बाद क्रीमेशन भी नहीं करने देता है, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देता है। ऑक्सीजन की कमी से मौतों पर राजनीति हो रही है। विपक्ष के आरोपों के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार कर दिया। इस मुद्दे पर पात्रा ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर दोहरा रवैया का आरोप लगाया है। सदन में एक प्रश्न उत्तर को लेकर राजनीति की गई है, ऑक्सीजन के शॉर्टेज और उसके कारण हुए मृत्यु को लेकर। यह बहुत ही अफसोसजनक विषय है। क्या सोचते होंगे वो परिवार जिनके परिवारजन हमें छोड़कर चले गए कि ये नेता इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं किंतु फिर भी ये इस प्रकार की बातें करते हैं। फिलहाल सच यही है कि हमने अपनों को खो दिया है और उनका गम हमें आज भी सता रहा है, लेकिन राजनीति आज भी इसका फायदा उठाने में लगी है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और उनकी क्रांति रथ यात्रा ने उन्नाव से चुनावी महाभारत का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही थी। अखिलेश की समाजवादी यलगार, 22 के लिए समाजवादी शंखनाद, सपा की क्रांति रथ यात्रा हुई शुरू। बाईस कल का आगाज, चुनावी जमीन तैयार करने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकल पड़े हैं और चुनावी महाभारत का शंखनाद उन्नाव से शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव जैसे ही सड़क पर निकले, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का नारा लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अखिलेश यादव की रैली आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटती जा रही थी, जो रैली को हुकार में बदल रही थी। किस तरीके से भारी की संख्या में लोग जो है वो यहाँ उनके स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं और लगातार और काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बरसात की वजह से थोड़ा सा लेट निकला। लोगों में खासा उत्साह और जोश जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्नाव में जा करके मनोहर लाल निषाद की जो पूर्व मंत्री थे उनकी मूर्ति का अनावरण करना है, उस मूर्ति का अनावरण करेंगे और वहाँ पर जनसभा भी करनी थी, लेकिन जनसभा जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति न मिलने की वजह से कैंसिल किया गया था। तो अब बाई रोड वो सीधे लखनऊ से उन्नाव के लिए रवाना हुए हैं और जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। ऐसी 150 जगहों पर उनके स्वागत का समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। भारी संख्या में लोग जो है कार्यकर्ता वो मौजूद है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति रथ यात्रा से उन्नाव के लिए रवाना हुए तो पूरा इलाका सपा जिंदाबाद के नारों से गूंज गया। अखिलेश यादव ने उन्नाव से नाव अभियान का आगाज किया और सरोसी के मनोहर इंटर कॉलेज में पूर्व पशुधन मंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण किया। जिले के निषाद समुदाय के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की 50वीं जयंती पर
उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राज्यसभा की कार्यवाही को सुनते हैं, देखते हैं, देख रहे पूरे में तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कोरोना से और ऑक्सीजन के ना रहने से किसी की जान नहीं गई, कौन भरोसा करेगा? अगर जान गई है, लोग तड़प तड़प के मरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है जो ऑक्सीजन जैसी चीज को उपलब्ध नहीं करा पाए। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सांस की, उस समय अगर सांस को छीनने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नाकाम दिखाई दी उसने जान उसकी वजह से जान। आखिरकार जासूसी की क्या जरूरत थी? और याद रखना, दुनिया में जहां कहीं भी किसी सरकार ने जासूसी की होगी वो सरकारें चली गई, वो सरकारें नहीं बसती जो जासूसी करती है। वो जासूसी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है। ऐसी सरकार है जो विकास से नफरत करती है, ये ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो हमें और आपको झगड़ा लगा कर हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाकर जाति को बांटना, धर्म को बांटना और वोट ले लेना, और जब सत्ता में आ जाओ तब हमारे और आपके लिए काम नहीं करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। मैंने पूछा एक अधिकारी से कि बताओ इस चुनाव में नोटबंदी का क्या दिखाई दे रहा है, वो हंसने लगा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा नोट का इस्तेमाल कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा का पूरा जिला पंचायत चुनाव, पूरा का पूरा ब्लॉक दोनों का चुनाव, 2022 का चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तो है ही है, लेकिन किसान, गरीब, मजदूर, नौजवानों के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए बहुत सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी से। सपा महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और कोविड अव्यवस्थाओं को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जा रही है और रथ यात्रा के दौरान इन मुद्दों को उठाया जाएगा, जनता से समर्थन मांगा जाएगा और बीजेपी के भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। सूबे की सत्ता में वापसी के बाद बीएसपी एक बार फिर से ब्राह्मणों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की जद्दोजहद में जुट गई है और अब विकास दुबे के भतीजे की पत्नी खुशी दुबे की रिहाई के लिए बसपा कानूनी लड़ाई लड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। मायावती का ब्राह्मण कार्ड। यूपी की सत्ता में वापसी को आतुर, पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। अयोध्या से सम्मेलन का आगाज। यूपी के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से सियासी समीकरणों को बनाने बिगाड़ने में जुटा है। पिछले दिनों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलनों का ऐलान कर ब्राह्मण पिच पर बढ़त हासिल करने की कोशिश की थी और अब मायावती ने एक और ब्राह्मण स्ट्रोक खेला है। खुशी दुबे की रिहाई को आगे आई बीएसपी। सतीश मिश्र लड़ेंगे खुशी दुबे का केस। बीएसपी दिलाएगी खुशी दुबे को इंसाफ। बिखरू कांड में आरोपी बनाई गई हैं खुशी। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने ऐलान किया है कि बिखरू कांड में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे की रिहाई की बसपा लड़ाई लड़ेगी और 17 साल की खुशी दुबे को इंसाफ दिलाएगी। पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्र कोर्ट में इस मामले की पैरवी करेंगे। 23 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन है इस संपूर्ण प्रदेश की राजनीति के लिए। हमारा समाज जो कि आज बहुत ही ज्यादा उपेक्षित, परेशान, हताश, निराश, बदहवास और दुखी है, इन सब बातों को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही बारीकी से देखा और देखने के पश्चात उन्होंने निर्देश दिया हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को कि आप एक बार फिर से इस अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए। वही आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग दिनांक 23 तारीख को यहाँ पर एकत्रित हैं। खुशी दुबे बिकरू कांड के कुख्यात विकास दुबे के शूटर अमर दुबे की पत्नी है। इन दोनों को ही पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।
बिकरू कांड के बाद खुशी दुबे पर हत्या और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड पर राजनीति भी खूब हो रही है। कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुना दें। केस तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन केस के पीछे जो मायावती की मंशा है वो ब्राह्मणों को की सहानुभूति लेने की है। मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण इस मामले में इतना होशियार है कि वो सामान्य ब्राह्मण अपराधियों में अंतर करता है, क्योंकि खुशी का हस्बैंड शार्प शूटर था ये सब जानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की सहानुभूति खुशी के साथ नहीं है, और जब खुशी के साथ नहीं है तो मायावती के साथ भी नहीं रहने वाली। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 16 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या नॉर्मल बात नहीं बल्कि जघन्य अपराध है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालजी टंडन को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी, मायावती और कल्याण सिंह से जुड़े हुए 3 रोचक किस्से भी बताए और लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया। रिपोर्ट देखिए। लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण लखनऊ की वैचारिक विरासत को सम्मान। राजधानी लखनऊ के दिल में है लालजी। लखनऊ के हजरतगंज में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पुण्यतिथि के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। लालजी टंडन की प्रतिमा को लेकर व्याख्या भी की। 12.5 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण। 28 दिन में तैयार हुई है लालजी की प्रतिमा। हजरतगंज पार्किंग के बाहर लगाई गई प्रतिमा। सभासद, विधायक, सांसद भी रहे हैं टंडन जी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता के गलियारों में स्थापित करने में टंडन जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लखनऊ की विरासत माने जाने वाले और लोगों के दिलों पर प्रिय बाबूजी को सभी ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान राजनाथ सिंह, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने उनको याद किया। लखनऊ का एक चलता फिरता लाइब्रेरी पुस्तकालय टंडन जी में अपने आप में समाहित हो जाता है, और टंडन जी की इन्हीं खूबियों के कारण लखनऊ वासियों ने उन्हें बाबूजी के रूप में अपना भरपूर सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने में हमारे टंडन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है, तो बाबूजी ने एक ऐसा पदचिन्ह बनाया है जिस पर चलने का सबको अवसर मिले। लखनऊ और माननीय टंडन जी एक दूसरे के पूरक थे, हर समस्या का समाधान कहीं मिलता था तो उनके पास जाकर मिलता था। ये सच है कि लालजी टंडन लखनऊ की विरासत हैं और सपा, बसपा, कांग्रेस सभी दलों के नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना काल ने सभी की जेब पर असर डाला है। हाल कुछ यूं है कि लोगों के व्यवसाय तक प्रभावित हुए हैं। आगरा का पर्यटन व्यवसाय भी इस चोट से बचा नहीं है। कोरोना की मार, कारोबार हुआ चौपट, होटल पड़ रहे सूने, कारोबारी बेहाल। आगरा का पर्यटन व्यवसाय ताजमहल के चलते गुलजार रहता था, पर कोरोना महामारी के चलते आगरा का पर्यटन व्यवसाय मुसीबत में है। पहले देश विदेश से पर्यटक भारी संख्या में ताज का दीदार करने आते थे, मगर अब इसमें कमी आ गई है। दुकानदार काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि जब पर्यटक ज्यादा आते थे तो बिक्री ज्यादा होती थी। अब ताजमहल हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलता है और दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब से कोरोना आया तो धीरे धीरे रेस्टोरेंट का स्थिति ज्यादा ही खराब होती चली गई है, ठीक है सर। उसके बाद ये हफ्ते का जो 7 दिन का ताजमहल खुल रहा था, अब कोई केवल 4 दिन खुल रहा है ताजमहल। काम है नहीं, सैलरी वैली दे नहीं पाते किसी को, जेम से ही दे रहे थे बैठा के, और स्थिति ऐसी बहुत चल रही। इस समय ऐसा चल रहा है, बंद करने के नौबत पे आ गए। होटल व्यवसाय भैया जी बिल्कुल पूरा चौपट हो चुका है। 2 साल से कोरोना बहुत स्थिति खराब कर रखी है। ताजमहल भी अच्छे से खुल नहीं रहा है। सप्ताह में केवल 4 दिन ताजमहल खुलता है, बाकी 3 दिन तो बंद ही रहता है। इसकी वजह से कारोबार बिल्कुल भी बेकार हो चुका है।
वहीं होटल मालिकों का कहना है कि ताजमहल इन दिनों हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलता है। शुक्रवार को ताज पहले से ही बंद रहता है और वीकेंड कर्फ्यू के चलते शनिवार और रविवार को भी बंद रहता है। पर्यटन से जुड़े लोगों का कहना है कि व्यवसाय पूरे तरीके से चौपट हो चुका है। जब तक विदेशी पर्यटक का आना शुरू नहीं होगा तब तक पर्यटन व्यवसाय उभर नहीं पाएगा। जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं खुलेंगी हमारा काम नहीं खुलेगा। हमको काम की बहुत जरूरत है। इस समय हमारे साथ बड़ी दिक्कत आ रही है। 2 साल से हम घर पर बैठे हुए हैं। जैसे जैसे अब काम करने निकले हैं तो 100-200 रुपया कमा पाते हैं, उससे हमारा घर नहीं चलता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए और पर्यटन को खोला जाए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को खोला जाए। आगरा में जो लॉकडाउन में छूट दी गई है प्रशासन द्वारा, उसके तहत स्मारकों में प्रवेश का समय अब सुबह 6 बजे से हो गया है। सभी दर्शक ताजमहल सहित सभी स्मारकों में सुबह 6 बजे प्रवेश कर सकते हैं और शाम को सूर्यास्त तक उनका प्रवेश जो है अलाउड रहेगा। इसके बीच में दर्शक स्मारकों का आनंद ले सकते हैं और इस छूट की वजह से जब से समय सुबह 6 बजे से हुआ है, सुबह के समय दर्शकों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। पर्यटन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वीकेंड कर्फ्यू अब हटना चाहिए जिससे पर्यटक ताज दीदार की ओर ज्यादा आ सके। वहीं अधीक्षक एएसआई का कहना है कि कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद ताजमहल खुलने का समय सुबह 6 बजे से दिया गया था और पिछले एक हफ्ते में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चिप्सीज दोस्ती का नया फंडा। सुबह के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ।